तो बिया क्या कहना चाहोगी, जो अभी तुम पीछे कर देख के आई हो, पसंद आया तुम्हें? घर तो बहुत प्यारा है लेकिन मुझसे ज्यादा प्यारा नहीं है यार। वो तो ये तो जेन्युइन बात है ना, वो इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं बनता। हाँ। बट मैं तो घर की बात से पूछ रही थी। अच्छा बना हुआ है लेकिन ये है कि जरा थोड़ा सा छोटा है। हाँ मुझे भी छोटा लगा, जैसे वो बर्गर नहीं छोटू सा होता KFC का। हाँ, हाँ लोगों ने ये मुझे कहा है कि आपने बॉयकॉट नहीं किया अभी तक KFC मैकडॉनल्ड को। कर तो दिया, हम कौन सा खा रहे हैं, सब मुंह के अंदर रखा हुआ है। देखें कि सम टाइम ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं इंसान के, इंसान हर चीज़ शो नहीं करता, लेकिन वो कुछ भी लोग मेरे पुराने होंगे उसमें KFC होगा, लेकिन मैंने KFC जब से पता चला है ना तो KFC मैंने बॉयकॉट कर दी। हाँ मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सारी इफ्तारियाँ घर में थी, अल्हम्दुलिल्लाह ईद भी घर में ही थी जी, पकाया गुन्ना सब कुछ घर में ही है, घर में थक मैं रही हूँ, बर्तन मैं धो रही हूँ। आपको KFC नज़र आ रहा है, कहाँ नज़र आ रहा है आपको KFC नज़र आ। घर में गर्मी लग रही थी, बाहर आके हवा जो चल रही है इतना अच्छा लग रहा है ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है, थोड़ा सा पीसफुल माहौल है यहाँ पे। तो ये कॉलोनी है और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और अगर आप लोग भी यहाँ पे घर बनाना चाहते हैं तो व्हाई नॉट आए और घर बनाएं। अस्सलाम वालेकुम भाई, यूट्यूब है, आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। तो मैं इस गर्दू में हूँ और यहाँ मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ, हमारे रूम भी बहुत ज़्यादा मज़े का है। तो भैया इस वक्त जो है वो तैयार हो गया है, हाँ तो स्कर्दू में ही है, हम लोग स्कर्दू में है, पहाड़ है यहाँ पे, और मैं आपको दिखाने वाली हूँ। अभी हम होटल में तैयार हो रहे हैं, जैसे बाहर निकलते हैं आपको दिखाती हूँ पहाड़। तो आपने कहीं नहीं जाना, ये जो हम आज देखना है मुझे और सिर्फ मुझे, ठीक है? आज वाला होटल है, इसको स्कर्दू का होटल कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। और मुझे इस बात की भी उम्मीद है कि आप मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूँ बिया मलिक और आज मैं आपके लेके आ गई हूँ आपकी मनपसंद सी रेसिपी, जिसकी बहुत से लोगों ने मुझसे कहा था ये बनाना सिखा दें, और सॉरी फॉर लेट लेकिन मैंने सोचा बना ही लूँ। आज मैं बना रही हूँ दूध वाली मीठी सेवइयाँ, और ये ईद पे भी बनाई जाती हैं, छोटी ईद पे बनाई जाती हैं, स्पेशली जो होता है पहला दिन उस दिन ये बनाई जाती हैं, और ये बहुत मज़े की लगती हैं। ये मीठे में एक बहुत ही स्पेशल सा एक डेज़र्ट है, एज अ डेज़र्ट भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं और वैसे भी बच्चों को बना कर खिलाएँ, ये बहुत हेल्थी होती हैं और बहुत ही टेस्टी होती हैं। तो सबसे पहले तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नहीं आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप मेरे चैनल के साथ इसी तरह अप टू डेट रहें। तो गाइस, फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में अपने मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि चैनल जो है वो थोड़ा सा ग्रो कर सके और मैं आपके साथ इसी तरह आपकी मज़ेदार सी जो फरमाइशें पूरी करती रहूं और अपनी रेसिपी शेयर करती रहूं। तो फिर देर नहीं करते गाइस, चलते हैं मेरा आज की मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ, जिसका नाम है मीठी सेवइयाँ। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर मैं आपको रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने दूध लिया है तकरीबन आधा किलो, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, ठीक है, यह आपके सामने है। यहाँ पे मैंने सौंगी ली है तकरीबन, थोड़ी सी मैंने सौंगी ले ली, आप भी इतनी ले लीजिएगा, हस्बैंड जरूर ले रही हूँ। बादाम ले रही हूँ, थोड़े से मैंने जो है वो गार्निशिंग कर दिए हैं, थोड़े से साबित रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं गिरी ले रही हूँ, तकरीबन एक गिरी ली है और मैंने इसे कर लिया है कद्दूकश। यहाँ पर सब बस इलायची ले रही हूँ 4 से 5 हद, आधी प्याली जो है मैं चीनी ले रही हूँ। अगर आप इससे मीठा ज़्यादा खाने के शौकीन हैं तो आपने चीनी की क्वांटिटी को कर देना है डबल। और यहाँ पे सेवइयाँ जो हैं ये रंग बिरंगी सेवइयाँ हैं और मैंने ये लिया है एक पैकेट, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, दूध की मिकदार को उसी हिसाब से ज़्यादा कर दीजिएगा। तो गाइस ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो फिर देर नहीं करते गाइस, चलते हैं मज़ेदार सी रेसिपी की तरकीब की तरफ। तो यहाँ पर फ्लेम को मैंने कर लिया है ऑन और आप देख सकते हैं देचकी को और दूध को मैंने इसके अंदर डाल के रख दिया है, और मैंने ये कुछ
उसके अंदर सबसे पहले मैंने डाल दी है इलायची। आपने क्या करना है, सबसे पहले दूध को बॉयल और गर्म यानी कि कर लेना है, उबाल, एक उबाल आने देना है और उसके बाद ही हम इसके अंदर सेवियां जो है वो डालेंगे। पहले आपने दूध को एक उबाल जो है वो दिलवा लेना है, ठीक है गाइस। सबसे पहले मैं इस दूध को उबाल दिलवा रही हूँ। बड़ी ही ईजी सी होती हैं ये जो ये है मीठी सेवियाँ, तो जो यंगस्टर हैं चिकन में किचन में अभी अभी गए हैं तो वो घबराए ना, ये बहुत इजी होती हैं। अच्छा जी, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, एक उबाल दूध को आ चुका है और अब मैंने इसके अंदर थोड़ी सी घी ऐड कर दिया ताकि उसका टेस्ट जो है ना दूध के अंदर डेवलप हो जाए। तो ये मैं अब डाल रही हूँ इसके अंदर सौंगी, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया ताकि इसके अंदर दूध का जो टेस्ट है वो डेवलप हो जाए। तो मैं इसे थोड़ा सा और उबाल डलवाती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसकी नेक्स्ट लुक। तो गाइस यहाँ पर जो है दूध को उबाल आ चुका है और अब मैं इसके अंदर जो है वो सेवियाँ ऐड कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी प्यारी सी सेवियाँ हैं। मैंने रंग बिरंगी इसलिए ली है क्योंकि मुझे ये स्पेशली बहुत पसंद है और ये खाने में बहुत मज़े की बनती हैं। अच्छा जी, ये मैंने डाल दी है सारी सेवियाँ। एक और प्रोसीजर भी होता है कि अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा सा फ्राई करके भी डाल सकते हैं, उससे भुनी हुई सेवियाँ जो होती हैं कुछ लोग ऐड करते हैं, लेकिन हम जो कुछ लोग, ये एक नया ही तरीका है और ये बहुत ही यूनिक सा और बड़ा ईजी सा तरीका है कि आप जी सेवियाँ को डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। तो घबराइएगा नहीं, डायरेक्ट भी सेवियाँ को डाला जा सकता है। अब मैंने सेवियाँ इसके अंदर डाल दी हैं, ठीक है गाइस। आप देख सकते हैं सेवियाँ डल गई हैं, हल्की आंच पे ही आपने इसे पकाना है, ज़्यादा आपने जो फ्लेम है वो तेज़ नहीं रखना। तो अब ये पक रही है, इसे थोड़ा सा मैं पकाती हूँ और मैंने इसके ऊपर रख दिया है अब ढक्कन और थोड़े से दम पे इसे पकाएंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी नेक्स्ट लुक। तो चलते हैं हम अपने प्यारे से नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ठीक है, इस 5 मिनट के बाद हम देखते हैं अपनी सेवियों का हालचाल क्या है। तो जी उठा लिया ढक्कन और देखें जी सेवियाँ जो हैं वो आप देख सकते हैं थोड़ी सी जो हैं वो गल चुकी हैं, ठीक है। जब सेवियाँ इस तरह की कंडीशन में आ जाएँ, पतली पतली हो जाएँ, थोड़ी सी मतलब कि थोड़ी सी पक जाएँ, तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, चीनी इसके अंदर ऐड कर देनी है, जो कि मैं ले रही हूँ तकरीबन एक प्याली मैंने सारी की सारी इसके अंदर ऐड कर दी है। और जो है जो बाकी जो ड्राई फ्रूट है वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैं ग्रीवी ऐड कर रही हूँ, ये मैंने थोड़ी सी सौंगियाँ ऐड कर दी हैं और ये मैंने थोड़े से बादाम ऐड कर दिए हैं, ठीक है गाइस। तो जी अब चीनी ऐड हो गई है और अब आपने इसके अंदर चम्मच को हलाते रहना है। चम्मच को अब हलाना नहीं रोकना, वरना क्या होगा, लम्स जो हैं वो गुठलियाँ पड़ सकती हैं और चीनी जो है वो घुलेगी नहीं ठीक तरह से। तो थोड़ी देर के लिए आपने तकरीबन 5 मिनट तक ये चम्मच को हिलाना है, उसके बाद हमारी मीठी सी मज़ेदार सी दूध वाली सेवियाँ झटपट सी रेडी हो जाएंगी और फिर हम जो है इसको प्लेट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको थम्स अप दें, लाइक दें, ठीक है गाइस। तो मैं ज़रा आपको इसकी लुक दिखाती हूँ थोड़ी देर बाद। अच्छा जी गाइस, 5 मिनट तक स्पून को मैंने कंटिन्यूसली हिलाती गई हूँ, तो अब दूध जो है गाढ़ा होना शुरू हो गया। जब दूध गाढ़ा होना शुरू हो जाए तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि हमारी जो मज़ेदार सी मीठी सेवियाँ हैं वो पक कर तैयार हो चुकी हैं। अच्छा जी, अब ये पक चुकी हैं, मैं इसे थोड़ा सा ठंडा करती हूँ और उसके बाद मैं इसकी करती हूँ प्लेटिंग और आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। तो फाइनली गाइस, यहाँ पर मैंने अपनी मीठी सेवियों की जो डिश है उसको कर लिया है प्लेटर और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी मज़ेदार सी इसकी लुक आई है। जस्ट लुक चेक करें गाइस, कितनी प्यारी आई है, मज़े मज़ेदार सी लग रही है, बहुत ही मज़े की लग रही है, डिलीशियस सी लग रही है। आई कॉन्ट वेट टू ईट माई दिस रेसिपी, मुझे बहुत ही मज़े की लग रही है, मैं दिल चाह रहा है कि मैं इसे खाऊं। तो गाइस, मैंने इसे बादाम से और कुछ ड्राई फ्रूट से जो है मैंने इसे गार्निशिंग किया है। आप इसे किसी तरह से भी गार्निशिंग कर सकते हैं, इसके अंदर भी डाल सकते हैं, तो इसे ठंडा भी खा सकते हैं, गर्म भी खा सकते हैं, लेकिन ये अगर आप ठंडी खाएंगे तो ज़्यादा मज़े की लगती हैं क्योंकि ठंडी सेवियाँ होती हैं, मीठी मीठी सी, ठंडी ठंडी सी जब खाते हैं तो बहुत ही दिल को सुकून आता है। तो गाइस, होप जिन लोगों ने मुझसे इसकी डिमांड की थी, जिसने कहा था कि जी ये बनाना सिखा दें, तो आज खुश हो गए होंगे कि मैंने उनकी फरमाइश जो है वो पूरी कर दी है। होप आपको ये आज की क्विक और इजी सी रेसिपी पसंद आई होगी। तो गाइस, फिर से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप मेरे चैनल के साथ अप टू डेट इंटरेक्ट करते रहें। और अगर आप कोई भी ऐसी रेसिपी है जो आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए बताइए, मैं आपको वो सिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। और इस रेसिपी के बारे में कमेंट सेक्शन के जरिए अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो ऑन दिस नॉट, मैं भी अमलिक अब आपसे अलविदा लूँगी, मैं मिलूँगी आपसे अपनी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अब तक बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा याद। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह।
Thank you.